फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मंजनीखे कैसे बनाएंगे हम बहादुर साहब? ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं अर्तुरुल साहब। वक्त जाया किए बगैर काम शुरू करते हैं। मैं आपकी हिफाजत के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दूंगा। किले से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। सूरज तुलू होते ही किले जाओ और एरिस से कहो कि वो इस किले को हमारे हवाले कर दे। जो आपका हुक्म भाई। एरिस का पैगाम सुल्तान से गद्दारी करना नहीं है, मगर आप दोनों एक ही शेख के मुतलाशी हो। हाँ, अर्तुरुल का सर सही कहा ना। किले को हमारे हवाले बगैर किसी शर्त के कर दो। अर्तुरुल सरदार की यही शर्त है। हम मंजनी के तैयार कर रहे हैं और इनकी तैयारी मेरे हाथ में है। मैं जरा बाकी सिपाहियों का भी काम देख लूं सामसा। मैं भी साथ चलता हूं बहादुर साहब, साथ ही देख लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह भाई, आपके जख्म बहुत जल्दी भर गए। बहुत शुक्र है, कल हमले के वक्त बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। कबीले के सरदारान आ रहे हैं भाई। आने दो उन्हें। खैरियत है सरदारान? सरदार बहादुर ने खबर भिजवाई है संजार साहब, अर्तुरुल साहब कल किले पर हमला करेंगे। आप तैयार रहें कबीले पर हमला करने के लिए। बहुत बेहतर, जाकर बहादुर सरदार को बता दोगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज से वो जान लेंगे औताक और कबीला उन्हीं के हैं। बहुत बेहतर सरदार। अर्तुरुल सरदार, तुर्क और असलेहान खातून, तुम लोग फतह के ख्वाब ही देखते रह जाओगे, असल फतह तो तुम्हें कल नजर आएगी। सिपाहियों तैयारी कर लो, कल हम अपने कबीले जाएंगे। जैसा आपका हुक्म सरदार।
चलो सिपाहियों, जल्दी करो, चलो उठाओ इसे, चलो उठाओ। इसे मजीद मजबूत करने की जरूरत है। आप बेफिक्र हो जाए जनाब। हो जाए जनाब। बहादुर साहब, इतने सिपाही काम कर रहे हैं, आपको काम करने की क्या जरूरत है? अगर मैंने इनके साथ काम ना करवाया तो ये सिपाही कभी काम खत्म नहीं कर पाएंगे। जब ये मुझे भी काम करता देखेंगे तो ज्यादा लगन से काम करेंगे। आज शब हम में से कोई नहीं सोएगा। हमें सारी रात काम करके इन सबको मुकम्मल करना है। यहां देखो, मुझे दो ये। तुम्हें इस जगह पर भारी जर्ब लगाना होगी ताकि ये एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं। ये लो। अब तो इस काम में बहुत माहिर है बहादुर साहब। तुम जानते हो कि मैंने सुल्तान की फौज में ऐसे ही मकाम हासिल नहीं किया सामसा। बहरहाल कल सुबह तक मंजनीकें तैयार हो जाएंगी। तुम एक सिपाही भेजकर अर्तुरुल साहब को खबर करवा दो। कल वो यहां आकर इन सब का अच्छी तरह मुआयना कर सकते हैं। बहुत बेहतर बहादुर साहब। यहां आओ तो जरा अर्तुरुल साहब, इंतजार कर रहा हूं मैं। आ जाए, खाना तैयार है असलेहान खातून। शुक्रिया बुर्जा खातून। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ असलेहान खातून? आ जाइए कराजा खातून। आपकी तबीयत के बारे में काफी दिन से फिक्रमंद थी मैं, लेकिन हालिया वाकयात की वजह से मौका ही नहीं मिला। शुक्रिया कराजा खातून, ठीक हूं मैं अब। असलेहान खातून, हमें मिलकर खुद को मजबूत करना था, लेकिन हम आपस में ही दुश्मनी कर बैठे। असल दुश्मन कौन है हमारा, ये जानने की कोशिश भी नहीं की। बदकिस्मती से ऐसा ही है कराजा खातून। शुक्र है सरदारान असल दुश्मन को पहचान कर मुत्तहिद हो गए हैं। अब हमारा भी फर्ज है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें और हमारे दरमियान जितनी भी रंजिशें हैं उन्हें खत्म कर दें। आप जब से हमारे कबीले में आई हैं कोई अच्छे तजर्बात नहीं रहे हैं कराजा खातून, लेकिन मैं भी ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। जब सरदारान मुत्तहिद हो गए हैं तो हमें भी अपनी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। खाने के वक्त मुखिल हुई मैं, बहुत माजरत चाहती हूँ, इजाजत दीजिए, अल्लाह राजी हो आपसे। कराजा खातून, आइए साथ खाना खाते हैं दोनों। बुर्जा खातून, मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कीजिए। कबीले में जंग की तैयारियां उरूज पर हैं असलेहान खातून। मैंने भी अपने कबीले के लिए न जाने कितनी ही जंगों की तैयारी में शिरकत की है। इन हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं भी जंग की तैयारियों में अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया कराजा खातून।
मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। भाई, मैंने आपका कहा हर लफ्ज उसे कह दिया, लेकिन किले को हवाले करने से उसने साफ इनकार कर दिया। यानी उसका अंजाम करीब आ चुका है। इंशाल्लाह है मखानम, इंशाल्लाह। तो फिर तुमने वहां क्या देखा बमसी? भाई, वो अभी तक तैयारी के मराहिल में है। किले की दीवारें अभी तक मजबूत नहीं हुई। मेरे ख्याल से बाहर की दीवारें ज्यादा कमजोर हैं बनिस्बत उन दीवारों के जो किले के अंदरूनी हिस्से में कायम हैं। किले में दाखिल होते वक्त मैंने उन्हें जुनूबी दीवारों को उजलत में तामीर करते देखा। तो ठीक है, फिर हमें अपने सिपाहियों को जुनूबी दीवारों की जानिब बढ़ाना चाहिए, और अगर वहां कोई कमजोर हिस्सा होगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। बहुत शुक्रिया। एरिस तदबीरें करेगा। कबीले की क्या सूरत हाल है आर्तुक भाई? तैयारियां मुकम्मल हो गई क्या? हमारे कुछ सिपाही कबीले की हिफाजत पर मामूर हैं भाई, और कुछ सिपाही पूरा दिन फौलाद ढालने में मसरूफ रहे। तलवारें, नेजे, ढालें और जिरहें सब आपके हुक्म के मुताबिक तैयार हैं। कबीले की खवातीन और बुजुर्ग हजरात भी हमारी मुआवनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम जंग पर होंगे तो आप अपना काम जारी रखिएगा वालिदा। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा, बेफिक्र रहो तुम। जख्मी हो जाने वालों के लिए मरहम और कपड़ा भी बार कर दिया है हमने साहब। हमारे पास जखीरा भी मौजूद है, शुक्र है। कबीले में रहने वाले जंग की तैयारियां जारी रखेंगे, चाहे फौलाद हो या फिर कोयला। हर वो चीज जिसकी कमी है तदारुक किया जाना चाहिए उसका। मैं बाद में कोई उज्र कबूल नहीं करूंगा आर्तुक भाई। अखराजात ज्यादा हो तो बाजार से आने वाली आमदनी से पूरा कर लीजिएगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई। ये मत भूले, फतह का इन्हिसार दुश्मन से मैदान जंग में लड़ने वाले सिपाहियों पर ही नहीं बल्कि साथ साथ पीछे रहकर काम करने वालों पर भी होता है। इसी सबब हमारी खवातीन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आपने यहां काम करना छोड़ दिया तो जंग लड़ने वाले सिपाही भूखे रह जाएंगे। उन्हें तलवारें चाहिए होंगी, उनके जख्म भर नहीं पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। अल्लाह हमें मायूसी से महफूज रखे। आमीन। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। मुझे सामसा ने भेजा है भाई, बहादुर साहब सुबह तक मंजनी के तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि अर्तुरुल साहब किसी भी वक्त उनका मुआयना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अर्तुरुल भाई, बहादुर साहब ने अपना काम वक्त से पहले पूरा कर दिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो इस जंग के बाईस राह रास्त पर आ जाएंगे। हम हर किसी को राह रास्त पर आने का पूरा मौका देते हैं हलीमा। ये उनके हक में अच्छा होगा कि सही रास्ते पर ले आए खुद को, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता मुंतखब करके नतीजा देख लिया है अपनी आंखों से। तो अब ये उन पर मुनहसर है कि वो कौन सा रास्ता मुंतखब करते हैं। अच्छी खबर है तीतान? जब तुर्क एक दूसरे की जान लेने के दर पे हो तो बुरी खबर कैसे हो सकती है कोस्तस? अब इस मलून एरिस का क्या इरादा है ये जानना बहुत जरूरी है। जमींदार एरिस कहाँ है? वो अपने कमरे में तुम्हारी ही मुंतजिर है। तो चलते हैं फिर। Ah.
शुक्रिया खातून। गुंदूस ने आज अपने हाथों से तीर तैयार किए हैं। ये जंग पर तो नहीं जा सकता, मगर इसका कहना है कि अगर वो तीर दुश्मन को लगे तो इसे महसूस होगा कि इसने दुश्मन को मारा है। मुझे भी तो अपने बनाए हुए तीर ला के दिखाओ मेरे शेर। अरे माशाल्लाह, यहां आके बैठो। लोमड़ी लोमड़ी को और भेड़िया भेड़िए को पैदा करता है। मेरे बहादुर बेटे भी अपने बाप की तरह बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अर्तुरुल, अल्लाह आपका जिहाद मुबारक करे। सवारी बर्क रफ्तार और तलवार जुल्फिकार हो। शुक्रिया खातून। ये जुल्फिकार क्या होती है बाबा? जुल्फिकार हजरत अली की शानदार तलवार का नाम है। ये किस तरह की तलवार है बाबा? देखो बेटा, हजरत अली बहादुरों के बहादुर हैं। जुल्फिकार दरअसल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अली को दी गई तलवार का नाम है। तो फिर तो वो तलवार बहुत मजबूत होगी ना बाबा? बिल्कुल सही कहा। इस पूरे जहां में उस तलवार जैसी कोई तलवार नहीं, क्योंकि उस तलवार का एक किनारा इल्म की और दूसरा इंसाफ की नुमाइंदगी करता है। एक मुसलमान की तलवार इल्म और इंसाफ की मजहर होती है। उसके फतह किए गए इलाकों में इल्म और इंसाफ को राइज करती है। इसीलिए हम अपने बहादुरों को जंग पे जाने से पहले उनकी तलवारों को मिसले जुल्फिकार होने की दुआ देते हैं। दुआ करते हैं कि हमारे मफतूहा खित्ते में इल्म और इंसाफ को कायम करने की तौफीक अता हो हमें। तो आपकी भी तलवार जुल्फिकार जैसी हो बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। चलो अब सो जाओ शाबाश। अर्थुरुल को जंग के आगाज में ही ये झटका उसके औसान खता कर देगा तितान। उम्मीद है कि उसकी मुश्किल खड़ी करने से पहले ही ये खत्म हो जाए। सारी मंजनीकें राख का ढेर बन जाएंगी वो भी इस किले के सामने आकर हमला करने से पहले। अर्थुरुल को ही इस जंग में पहली जरब लगेगी। सही। और बहादुर साहब, क्या वो अपनी चाल चलेंगे? जब मंजनीकें जलाकर उसके सिपाहियों को खत्म कर दूंगा मैं, तो वो चावदार कबीले पर हमला करके सरदार बन जाएंगे। बहुत खूब। मुझे किसी भी तरह यहां से निकलने की राह ढूंढनी होगी। अर्थुरुल समझता है कि वो मुझे मेरे ही किले में महसूर करके कैदी बना देगा। समझने दो अगर वो ऐसा समझता है। अनकरीब जो वो भुगतने वाला है उसकी खबर नहीं उसे। असल मुहासरा तो मैंने उसका किया है। मैं उसे दिखा दूंगा कि असल जंग क्या होती है। मैं अपने सिपाहियों के साथ सुबह ही निकल जाऊंगा। बहुत खूब। तो तुम अब जाकर आराम करो मेरे दोस्त। कल कयामत का दिन है। तुर्कों को उनके अपने ही खून में नहलाने का मुबारक दिन बिल आखिर आन पहुंचा।
अपने कबीले में खुशामदीद संजार साहब। बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? तुर्गुस साहब किले के मुहासरे के लिए अपने सिपाहियों के साथ निकल चुके हैं। असलियान खातून ने कुछ सिपाही आपके बाबा के साथ भेजे हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत आला। बाबा जब औताक में सरदार बन जाएंगे तो सब पर उन्हीं की इताअत करना लाजिम हो जाएगा। औताक के क्या हाल है? औताक की हिफाजत के लिए सिर्फ 4 मुहाफिज हैं। जब आप कबीले के करीब पहुंच जाएंगे तो हम उन मुहाफिजों को काबू कर लेंगे। सबको मार डालना, कोई रहमत करना, अगर वो मुजाहमत करें तो। औताक के अंदर मौजूद मुहाफिजों को मैं संभाल लूंगा। असलिहान खातून ने अपने हामी सरदारान को इकट्ठा किया है, वो औताक में तनहा नहीं होंगी। मैं उन्हें असलिहान समेत ही देख लूंगा। आज हमारी फतह का दिन है सरदार, और चावदार वालों के लिए खुशी का दिन है। खून बहाने का दिन है आज, क्योंकि बहने वाला हर खून हलाल है आज हम पर। सुरंग से बाहर निकालकर मैदान में बांध दिया है। चलो सिपाहियों, तुर्कों के खात्मे के लिए इस मुबारक जंग के सफर में फतहयाब होकर लौटो। फतह हमारी होगी कोस्तस। सूरत मिलना होगा मुझे। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना मेरे मालिक। कौन हो तुम? ये तो ताजिर नीको है। हाँ, लेकिन ये यहां क्या कर रहा था? जल्दी उठाओ उसे, जमींदार एरिस के पास ले चलते हैं।
तुम यहाँ क्या लेने आए हो? खून बहाना नहीं चाहते तो बहादुर सरदार की इताअत करो। दोबारा खबरदार नहीं करूंगा। घटिया इंसान, ना तो हम असलियान खातून से और ना ही अर्तुरुल सरदार से गद्दारी करेंगे। तुम लोगों ने अपना कबीला अर्तुरुल को बेच दिया, असल गद्दार तो तुम हो। खत्म कर दो। चलो सिपाहियों, गिरजा के साथ यकीनन कुछ तो बुरा हुआ है जिसका हमें बिल्कुल इल्म नहीं है। सिपाहियों की कम तादाद के बावजूद कबीले में हिफाजती इकदामात बढ़ाने होंगे और आज से हमारी खवातीन भी तलवारों के साथ कबीले की हिफाजत पर मामूर होंगी। तमाम बुजुर्ग और नौजवान भी अपनी सलाहियत के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए जाएंगे। हमें इसके लिए मुनज्जम तैयारी करना होगी। सिर्फ बहादुर साहब पे एतमाद ना होने की वजह से ही नहीं बल्कि दुश्मन के मुमकिन हमले के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। बहादुर साहब कबीले में नहीं और उनका बेटा भी जिला वतन है, अब कोई मुश्किल पेश नहीं आएंगी। इंशाल्लाह आपकी बात सच साबित हो, लेकिन हिफाजती इकदामात से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा असलियान खातून। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक के मालिक के तैयार हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक, हमारी मेहनत वसूल हो रही है। जितना भी शुक्र अदा करे कम है मेरे अल्लाह। या अल्लाह पाक हमें कामयाब कर। अल्लाह पाक तूने हमें कामयाब कर दिया भाई। मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह का बहुत शुक्र है। खैर ठीक है, तैयार हो चुके हैं कि हम कामयाब हो गए। मेहनत से हमने शदीद ठंड में काम किया और कामयाब हो गए। तुम सबकी मेहनत वसूल हो गई है सिपाहियों। ये आग से बने गोले एरिस के सर पर कयामत बनकर गिरेंगे। वो मलहून कहीं भी भागने के काबिल नहीं रहेगा। सिपाहियों, अर्तुरुल भाई के यहाँ पहुंचने तक हम इनमें से एक की आजमाइश करके देखते हैं। चलो इसे आजमाइश के लिए तैयार करो।
बहादुर साहब, आपने बहुत मेहनत की है, इसीलिए पहला पत्थर आपको फेंकना चाहिए। सामसा, तुम फेंको ये पत्थर ताकि मैं इसे देख सकूं। हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की मदद से हम कुस्तुनतुनिया की दीवारें भी गिरा देंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं बहादुर साहब, क्या ये ठीक बनी है? हाँ, यकीनन। लेकिन पहले ये देखना होगा कि हम उस किले को कैसे जेर कर सकते हैं। कोई शुबा है क्या आपको बहादुर साहब? बहादुर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? गद्दार, हमला करो। सिपाहियों, अर्तुरुल भाई के पहुंचने तक हमें इन मंजरीकों को बचाना होगा। हमने उनसे वादा किया था। कहा था ना तुम्हें? शामदीद भाई, बहुत शुक्रिया। चावदार के सिपाहियों ने मोर्चे संभाल लिए? जी बिल्कुल भाई, संभाल लिए। और हमारे सिपाहियों ने नीकिया का रास्ता भी रोक रखा है। अब चाहे बादशाह की फौज ही क्यों ना आ जाए, जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा भाई। बहुत हो बंजनीको के साथ जब हम किले के सामने खड़े होंगे तो आयरिस का चेहरा देखने वाला होगा। बहुत जल्द देखेंगे भाई, बहुत जल्द। वो मलून जहन्नुम वासिल होगा इंशाल्लाह। हमें आगे बढ़ना है, तैयार हो जाओ। चलो सिपाहियों। सिपाहियों चलो, घेरा डाल लो।
तुर्क कबीले की निगाह में मैंने उसकी साख बर्बाद करके राख कर दी है। अब मैं उसे कदम ब कदम शिकस्त देता चला जाऊंगा, उसका सांस लेना दुभर कर दूंगा। इस गद्दार की इताअत से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। पकड़ लो इसे। आ! 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 आ!